असलकुम वेलकम टू पल नेटवर्क इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उर्दू में फेल हाल मुकम्मल कहते हैं लेट सीड्स डेफिनेशन एन एक्शन डेट इन द पास्ट एंड कॉन्टीन्यूज इन टू द प्रेजेंट यानी कि ऐसा काम जो हमने माजी में शुरू किया था अब वो हमारे प्रेजेंट में हाल में हमने उस काम को मुकम्मल कर लिया है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खा रही थी अब मैं पास्ट में मैं खाना खा रही थी एंड नाउ इन प्रेजेंट मैंने खाना खा लिया है अब मैं अपना खाना मुकम्मल कर चुकी हूँ मैं खाना खा चुकी हूँ सो इट्स अ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाव लेट्स सी इट्स आइडेंटिफिकेशन इसकी पहचान क्या है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्टेंस है ऐट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेज हेयर कम्स चुका है चुकी है चुके हैं दिया है दी है दिए हैं या लिया है ली है लिए हैं जब इस तरह के अल्फाज हमारे जुमलों के आखिर में आएंगे तो हमें समझ आ जाएगा ये हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नॉलेट्स सी इस फॉर्मेशन फॉर्मेशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे दैन हेल्पिंग वर्ड अब परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ड जो यूज़ होगा वो हैज़ और हैव है दैन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड एंड दैन ऑब्जेक्ट अब परफेक्ट टेंस आइदर वो प्रेजेंट है पास्ट है और फ्यूचर है हम उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे ये तीनों टेंसेस में परफेक्ट टेंस में तीनों में यही वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव अब हमने हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करना है वी यूज़ हैज़ विद ही शी इट और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ और यूज़ ऑफ हैव हमने हैव किसके साथ यूज़ करना है आई हुई यू दे और प्लूरल नाउस के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ नाउ सी इट्स एग्जाम्पल्स मैंने ख़त लिख लिया है आई हैव रिटर्न आ लेटर अब हमने आई है तो उसके साथ हमने हैव यूज़ करना है देन रिटर्न राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की आ लेटर लेटर ऑब्जेक्ट है आई हैव रिटर्न आ लेटर वो नज़म पढ़ चुकी है शी हैज़ रेड द पोइम शी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हमने हैज़ यूज़ किया है देन रेड रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है रीड रेड 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 द पॉइंट शी हैज़ रेड द पोइम दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल परफेक्ट टेंस नाउ कम टू द नेगेटिव इसको नेगेटिव हमने कैसे बनाना है इसकी फॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव देन नॉट देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स क्या हैं इसकी मैंने खत नहीं लिख लिया है आई हैव नॉट रिटन अ लेटर वो नज़म नहीं पढ़ चुकी है शी हैज़ नॉट रेड द पॉइंट अब हमारे सारा सेंटेंस की फॉर्मेशन वैसे ही है बस हमने जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमने नॉट लगा देना है इन द नेगेटिव सेंटेंसेस बाकी सारे उसकी जो फॉर्मेशन है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा नाउ लेट्स सी इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने किस तरह उसकी फॉर्मेशन करनी है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ हैव दे सब्जेक्ट देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस फ़ॉर एग्जांपल क्या मैंने ख़त लिख लिया है हैव आई रिटन अ लेटर क्या वो नज़म पढ़ चुकी है हैज शी रेड द पोइम यहाँ पे भी हमारा सारा सेंटेंस वैसा ही है बस हमने हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखना है देन उसके साथ हमने सब्जेक्ट लगाना है देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट So, these are the present perfect tenses which we have discussed in this video. I hope you like my video. Thank you so much. Allah Hafiz.